हवेली से बाहर निकल दूल्हा दिसावर की राह आगे बढ़ा। कमर में पैसे की नौली बंधी थी, कंधे से लटकी एक पोटली, कुछ और भी खटर पटर। सामने आकाश में व्यापार, सुख लाभ कमाई का क्या पार। बरगद के उसी पेड़ के अंदर छुपे भूत ने सेठ के लड़के को तुरंत पहचान लिया। युवक का रूप धरकर उसका अभिवादन किया। भैया, अभी तो कंकन डोरे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कंकन डोरे दिसावर में नहीं खुल सकते क्या? 5 साल तक दिसावर में जमकर व्यापार करना है। यदि यह मोहरत चूक जाता तो अगले 7 वर्षों तक ऐसा सहयोग नहीं मिलता। भूत ने लड़के की बोली, चाल व उसके स्वभाव की जानकारी प्राप्त करते हुए मन ही मन सोचा कि यदि सेठ के पुत्र का हूबहू रूप धरकर वह सवेरे ही हवेली में घुस जाए तो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं, दुल्हन तक उसे पहचान नहीं पाएगी। आप मेरी बात भी तो सुनिए। मुझे रास्ते में समाधि लगे एक महात्मा के दर्शन हुए। सारी देह पर दीमक चिपकी हुई थी। मैंने सावधानी से दीमक उतारी, स्नान कराया, खाना खिलाया, तब महात्मा ने खुश होकर मुझे वरदान दिया। सवेरे पलंग से नीचे उतरते ही मुझे 5 मोहरे हमेशा मिलती रहेंगी। दिसावर जाने से वरदान नहीं फलेगा। अब आप जो भी आज्ञा देंगे मानने के लिए तैयार हूँ।
मैं जानती थी कि तुम बीच राह से लौट आओगे। मालूम नहीं तुम्हारी बात सच हुई या नहीं, पहले पता तो कर लो मैं कोई दूसरा तो नहीं हूं। शायद तुम्हारे पति का रूप धरकर कोई और कहीं तुम्हें छलने तो नहीं आया है। हूबहू वही शक्ल सूरत, वही रंग, वही नजर, वही बोली, वही हुलिया। उसके बाद भूत ने जो सही बात थी विस्तार पूर्वक बता दी कि उस बरगद के नीचे उघड़ा हुआ रूप देखकर वह कैसे मूर्छित हुआ, कब होश आया, दिशावर जाते हुए पति से क्या बातचीत की, उसका रूप धरकर कैसे हवेली आने का साहस जुटाया, महात्मा का वरदान किस प्रकार रचाया, आंधी तूफान की बात भी उसने पूरी तरह बताई। माँ बाप को तो केवल 5 मोहरों और दुकान की कमाई में रुचि है, भेद का खुलासा नहीं करता तो 5 साल तक इस रहस्य का सपने में भी किसी को पता नहीं चलता। तुम तो असली पति समझकर सहवास करती पर मेरा मन नहीं माना। अब जो भी तुम्हारी इच्छा सो बताओ, भूत होकर भी मैंने कोई बात नहीं छिपाई। अब भी यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि यह भेद प्रकट करने से ठीक रहा या न प्रकट होने से ठीक रहता। कभी तो एक बात अच्छी लगती है, कभी दूसरी।
माँ बाप की नज़र में कचरे का ढेर पड़ते देर लगती है, बेटी का शरीर पड़ते नहीं। 16 बरस उतरते ही वे मेरे पीले हाथ करके पराए ठोर भेजने की चिंता करने लगे। माँ की कोख में समा गई पर बाबुल के आंगन में नहीं समाए। व्यापार में डूबा पति जबरन रवाना हुआ तो वह मेरे वश की बात नहीं थी, न भूत की इस आकस्मिक प्रीत के सामने वश चला। जाते हुए को रोक न सकी, सामने प्रकट हुए भूत को मैं किस प्रकार मना करूं।